हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और फाइनली आज के इस क्लास में हम लोग जो है कंप्लीट करने वाले हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ज्योग्राफी, जिसको हम कहते हैं भूगोल। इसका ऑफिशियल मॉडल पेपर, आप सभी का डिमांड था कि हम लोग को जो है ज्योग्राफी का मॉडल पेपर का जो है सॉल्यूशन करवा दीजिए। और फाइनली आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ ज्योग्राफी 2023 बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर। और यहाँ से आपको पैटर्न का पता चल जाता है, जिसमें आपको 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 35 का आंसर देना होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आप लोग को इंस्ट्रक्शन पता होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड ने आपको मॉडल पेपर के द्वारा हर बार जो अपना पैटर्न बताता है, और ये पैटर्न पिछले बार के अनुसार ही है। फिलहाल इसमें जो है क्वेश्चन की जो संख्या रहेगी 70+20+6, यानी 20 जो आपका रहेगा 2 मार्क्स वाले होंगे और 6 जो रहेगा आपका 5 मार्क्स वाले होंगे, ठीक है। जिसमें से आपको 3 का आंसर देना है और इसमें से जो आपको जो है 20 में से 10 का आंसर देना है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन आप लोग को यहाँ पे एक लाइन में दिखा दी गई है। फिलहाल समय जो रहेगा आपका 3 घंटा 15 मिनट दिया गया है। ये सारे चीज़ आप लोग को पता होगा, तो आप सब कोई रेडी है। तो इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को शेयर कर देंगे। काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो सबको शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह जो दी गई है आप लोग तो पहले से जानते होंगे इस चीज के बारे में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देख लीजिए। यहां पे कह रहा है डोवर पत्तन जो है वो कहां पे है, डोवर पत्तन जो है वो क्या है, पैकेट पत्तन होगा या फिर तेल पत्तन होगा, नीचे में है सवारी पत्तन और क्या है सवारी पत्तन, उसके बाद है नौसेना पत्तन। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डोवर पत्तन जो है क्या है, फटाफट सभी का आंसर ना चाहिए। क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सवारी पत्तन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बता रखा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हम लोगों को, निम्न में से कौन धार्मिक नगर है, धार्मिक नगर की बात कही जा रही है, मक्का, वाराणसी या फिर जगन्नाथपुरी या फिर मुंबई। डेफिनेटली सबको पता होगा, बताएंगे फटाफट क्वेश्चन नंबर दो का जो आंसर होगा। अच्छा धार्मिक नगर नहीं है बोल रहा है यहाँ पे, तो देखो वाराणसी भी धार्मिक नगर है, अब मक्का भी है, जगन्नाथपुरी भी है, लेकिन नहीं पूछ रहा तो मुंबई नहीं है। इट क्या है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को, भारत का विशालतम धार्मिक जो समूह है वो जो कहाँ क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है या सिख है। बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर थ्री का क्या आंसर होगा, तो डेफिनेशन को पता होगा ये जो हिंदू हो जाएगा, यहाँ पे भारत में जो सबसे अधिक जो है हिंदू है, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी। देखिए 1990 1898 1880 1990 1898 1880 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890 1898 1890
आपका ऑप्शन नंबर बी बिहार। ठीक है, बिहार के क्षेत्रफल के अनुसार जो है इसमें और राज्यों के मुकाबले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर बी डेफिनेट इसमें का करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए क्वेश्चन कर आप लोगों को, निम्न में से निम्न नगरों में कौन नवीन पुष्प कहलाता है, बताना आप लोग को नवीन पुष्प कहलाता है। देखिए यहाँ पे लंदन होगा, पर्द होगा, पेरिस होगा या अदिस अबाबा होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर करेंगे फटाफट। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा अदिस अबाबा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें हम लोग को, पैट्रिक डिगिज का संबंध किससे है, पैट्रिक डिगिज का संबंध जो है किससे है, बताना आप लोगों को, असनागर से होगा, गांव से, या फिर मोगलो पिलिस से, या फिर इनमें से कोई नहीं। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का तो आंसर होना चाहिए इनमें से तो कोई नहीं हो जाएगा आपका। क्या बोलते हो आप लोग, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको आंसर डी करेक्ट करते हैं। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर एट को देख लीजिए। भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है, स्त्री प्रवास सबसे अधिक किसके कारण होता है, डेफिनेटली सबको पता होगा स्त्री प्रवास, शिक्षा होगा या फिर विवाह होगा या फिर रोजगार या वाणिज्य, बताइए फटाफट। 8 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेटली सबको पता होगा विवाह के कारण जो स्त्री का क्या होता है, प्रवास होता है, और पुरुष प्रवास जो होता है रोजगार के लिए होता है। ठीक है, ये दोनों चीज आप लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा हम लोगों को कि
निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गुजरात होगा, राजस्थान होगा या फिर तमिलनाडु, केरल। सबको बताएगा केरल की जो साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो छावनी नगर है? देखो छावनी नगर की बात करें तो यहाँ पे जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंबाला। अंबाला जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अंबाला जो छावनी नगर के अंदर आते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोगों को। निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? शैक्षणिक नगर की बात की जा रही है, ध्यान देंगे क्या होगा शैक्षणिक नगर, बताइए फटाफट। क्वेश्चन में गारे का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रुड़की। रुड़की जो क्या है, शैक्षणिक नगर है, ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए कर हम लोगों को, कह रहा है कि लिबेरिका जो संबंधित है वो किससे, बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 12 नंबर क्वेश्चन का लिबेरिका, लिबेरिका ये आपका कॉफी समझ लोगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी कॉफी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर दिख रहा है ना, थोड़ा जूम करना पड़ेगा क्या? चलिए कर लेते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर आप लोगों को, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है क्या है, बताइए फटाफट। सोयाबीन जो उत्पादन में सबसे आगे वाला राज्य कौन है, सबसे आगे कौन सा राज्य है? 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर हम लोग को, कहवा उत्पाद जो है, कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कहवा समझते हैं आप लोग, डेफिनेटली पता होगा सभी को, बताइए कर्नाटक होगा, गोवा होगा, उत्तराखंड होगा या फिर असम होगा? 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का आना चाहिए, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा लोगों को कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य क्या है? चाय बताइए यहाँ पे, गुजरात होगा, गोवा होगा, बिहार होगा या असम होगा? डेफिनेटली सबका आंसर आना चाहिए। देखिए चाय में सबसे अधिक जो आता है वो असम आता है, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का आना चाहिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन करा लोगों को, करा कि अमन तथा बोरो जो संबंधित है, बताइए किससे हुआ है? अमन तथा बोरो जो संबंधित है, चावल से होगा, गेहूं से, जूट से या कॉफी से? 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका चावल से है। किससे है? चावल से, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन करा लोग को, क्या कह रहा है, पर्यावरण जो सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, बताइए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा 1986, बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें कौन मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है, सबसे आगे जो है कौन सा राज्य है मैग्नीज में, बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओडिशा या फिर महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे मैग्नीज की बात करें तो ओडिशा तो नहीं होना चाहिए, आप लोग मध्य प्रदेश बोलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी या फिर आपका ए हो सकता है, ठीक है, कंफर्म बताइए क्या आंसर है उस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है हम लोगों को कि काकर जो है, काकरा जो पारा किस राज्य में स्थित, बताइए काकरा पारा जो है राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में? गुजरात होगा, गोवा होगा, कर्नाटक होगा या फिर राजस्थान? 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर करेंगे क्या जाएगा, काकरा पारा क्या होगा 19 नंबर का क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जाएगा गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है कि नरोड़ा प्रसिद्ध है, नरोड़ा जो प्रसिद्ध जो है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए है, सूती वस्त्र के उद्योग के लिए है या फिर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए या फिर उर्वरक कारखाना के लिए, बताइए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नाभिक ऊर्जा संयंत्र के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है इनमें कौन जो है थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, बताइए थोरियम उत्पादन में सबसे अग्रणी क्या होगा? झारखंड होगा, पंजाब होगा या फिर महाराष्ट्र होगा, क्या होगा बताइए यहां पे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका झारखंड, क्या बोलते हो आप लोग? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 21 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए ए नहीं होगा, केरल होगा मेरे ख्याल से, क्या बोलते हो आप लोग? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी 21 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है कि मुंबई जो हाई क्या है, मुंबई हाई कोयला क्षेत्र के लिए, पेट्रोलियम के लिए या फिर तांबा क्षेत्र या फिर अभ्रक के लिए, बताइए बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। मुंबई हाई की बात कही जा रही है 22 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को, मानिकरण जो प्रसिद्ध है किस चीज के लिए, पवन ऊर्जा के लिए,
या फिर जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर भूतापीय ऊर्जा, बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए 23 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को, कह रहा बाबा बुदन की पहाड़ी प्रसिद्ध है, 24 नंबर क्वेश्चन, बाबा बुदन की पहाड़ी प्रसिद्ध है वो लौह अयस्क के लिए, किस चीज के लिए है वो, लौह अयस्क। ठीक है, याद रखिएगा लौह अयस्क, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन चीनी उत्पादक में अग्रणी राज्य, सबसे आगे राज्य है बताइए यहाँ पे, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो सकता है और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, अग्रणी और द्वितीय दोनों में क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है, कर्नाटक में कौन सा है, बोकारो है या फिर क्या कहते हैं आसनसोल है, दुर्गापुर है या फिर भद्रावती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी भद्रावती। ठीक है, क्या हो जाएगा भद्रावती, दुर्गापुर कहाँ पे है, यह हो जाएगा आपका दुर्गापुर में है। ठीक है, जो आपका पड़ता है उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, और ये बोकारो जो है ये कहाँ होता है बताइए, ये बोकारो आपका शायद मेरे ख्याल से उड़ीसा में भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को कि क्वेश्चन कर रहा है क्या कर रहा है, बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है, बताइए यहाँ पे बड़ोदरा जो है किस राज्य में अवस्थित है, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट, क्या होगा 27 का, ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ब्रांड लैंड जो है, ब्रांड क्या है, ब्रंडन लैंड रिपोर्ट जो संबंधित वो किस चीज से है, बताइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर सतत विकास, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सतत विकास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराया, हरि के बांध जो है किस राज्य में है, हरि के बांध किस राज्य में है, राजस्थान में होगा, पंजाब में होगा, हरियाणा में होगा, महाराष्ट्र में होगा, 29 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे देखेंगे पंजाब में है, कहाँ पे ये पंजाब, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि भारत में पहली रेल मार्ग जो है पर चली गई थी, कहाँ से कहाँ चली गई थी, डेफिनेटली सबको पता होगा क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई से थाने, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुंबई से थाने के बीच जो है पहली रेल चली गई थी, कब चली गई थी सबको पता है। ठीक है, और कितना चली गई थी बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोगों को, भारत में वायु परिवहन जो कब शुरू हुआ था, वायु परिवहन की बात कही जा रही है बताइए, 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 31 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका 1911 में, कब 1911, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कर हम लोग को, उत्तर दक्षिण गेलियार जो जोड़ता है किसको किससे जोड़ता है बताइए यहाँ पे, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर को कन्याकुमारी से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हमें, 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा कि हजीरा किस राज्य में है, हजीरा की बात कही जा रही है देखिए यहाँ पे, हजीरा किस राज्य में, बिहार में होगा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, गुजरात, 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका गुजरात में है, ये कहाँ पे है, गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन जो गुजरात, इनमें से कौन गुजरात का पत्तन है, ठीक है कौन सा गुजरात का पत्तन, एन्नोर होगा, पारादीप होगा, कांडला होगा या फिर तूतीकोरिन होगा बताइए, 34 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका कांडला, बिल्कुल करेक्ट आंसर भी आना चाहिए ऑप्शन बी कांडला। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है कि मंगलोर पत्तन जो स्थित कहां पे है, कर्नाटक होगा, केरल होगा, उड़ीसा होगा या फिर गोवा होगा, मंगलोर की बात की जा रही है, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका कर्नाटक में, कहां पे है कर्नाटक याद रखेंगे, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार का जो वाहन होता है वो किसके द्वारा होता है, सड़क मार्ग से होता है, वायु मार्ग से होता है या फिर आपका समुद्री मार्ग से होता है या फिर कह सकते हैं यहाँ पे पाइपलाइन, ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है, भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार का वाहन जो होता है वो होता है आपका जल मार्ग द्वारा, किसके द्वारा होता है जल मार्ग, और जल कहाँ पे, समुद्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्या जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन कह रहा है कि शहरी धुर में कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है, 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा वायु प्रदूषण, क्या हो जाएगा वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी। ठीक है,
क्या जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कर रहा हम लोगों को। हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना जो है ज्यादा जो हाँ हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पर जो है अवस्थित है? ध्यान देंगे 38 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, महानदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को। निम्न में से कौन भारत का सूखा पर्वन जो है राज्य है? बताना आप लोग को, केरल होगा, असम होगा, गुजरात होगा, पश्चिम बंगाल होगा। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट, क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन सी बता रखे हैं, गुजरात। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। मक्का की जो है पेटी कहाँ है बताइए? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? तो मक्का की जो पेटी कहा जाता है उसको संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 41 नंबर क्वेश्चन का देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका निश्चयवाद। क्या है? निश्चयवाद। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल का जो है उपशाखा नहीं है? 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सामाजिक भूगोल का उपशाखा क्या हो जाएगा? चिकित्सा भूगोल। ये होगा क्या? सामाजिक भूगोल, डार्लिंग संसाधन भूगोल। क्या होगा 42 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी सामाजिक भूगोल का उपशाखा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा चिकित्सा भूगोल, या फिर व्यावहारिक भूगोल, या संसाधन भूगोल, या फिर लिंग भूगोल, बी हो जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को। जनसंख्या परिवर्तन का घटक जो है कौन है? 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जनसंख्या घटक, यहाँ पे तो जन्म मृत्यु से जनसंख्या नहीं होगा, और है क्या इनमें से? जनसंख्या परिवर्तन घटक कौन है? कौन है ना, परिवर्तन का घटक कौन नहीं होना चाहिए? देखो जनसंख्या परिवर्तन का घटक जो है कौन है? जन्म भी है, मृत्यु भी है। जन्म लेने से भी जनसंख्या परिवर्तन हो सकता है, मृत्यु से भी हो सकता है। यहाँ पे पूछना चाहिए उसको जनसंख्या परिवर्तन का कौन घटक नहीं है। प्रवास करने से जनसंख्या जो है चेंजिंग नहीं होता, बस जगह का बदलाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होना चाहिए, नहीं, लेकिन इनमें से कोई नहीं मार दो। चलो आप जो भी मारे आपको बता दिए इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन करें हम लोगों को कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? डेफिनेटली सबको पता होगा, विश्व में, पूरे विश्व में सबसे अधिक चीन की है। क्या? चीन की, ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरे में आता है भारत, क्लियर है, सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करें हम लोगों को, इनमें से किसका संबंध जो है किससे? अच्छा विकास बोला, किसका नहीं, यहाँ पे विकास ही है, विकास का संबंध है वो किससे है बताइए यहाँ पे। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा धनात्मक परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोगों को। प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन जो है कब प्रकाशित हुआ? 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। प्रथम जो होगा था आपका 1990, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1990 को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तृतीय क्रियाकलाप बताना है आपको। खनन होगा, क्या कहते हैं, प्रसंस्करण होगा, सेवाएं होगा, कुटीर उद्योग होगा। खनन की यहाँ पे तो आपका नहीं होगा, तृतीय में पूछ रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? सेवाएं होगा। ठीक है, जबकि ये सेवाएं भी कभी चौथे में आते हैं। चलो ये आपका ऑप्शन है, खनन जो आपका दूसरे में जाएगा, कुटीर उद्योग आपका प्रथम में जाएगा। ठीक है, खास संस्करण जो है ये भी आपका, सेवाएं मारते हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा के निम्न में से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है? पंचम देखिए आप, इनमें से सभी हो जाना चाहिए। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर डी 48 का। चलिए बहुत ही शानदार, वेरी गुड, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा हम लोगों को कि कोल खोज ये उदाहरण है किस चीज का उदाहरण है? बताना फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 49 नंबर क्वेश्चन, चलिए 49 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सामूहिक कृषि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन करा हम लोग को। वर्ल्ड जो है वर्ल्ड वो कहाँ है बताना आप लोग को। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, वर्ल्ड जो कि वो कहाँ पे है, फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, एंड दक्षिण अफ्रीका है, या फिर मिस्र है, बताइए यहाँ पे। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पे? दक्षिण
क्या बोलते हो, दक्षिण अफ्रीका होगा क्या? दक्षिण अफ्रीका होगा ना, ऑप्शन सी मार देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि अंगूर की खेती संबंधित है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, ध्रुवीय क्षेत्र से, या फिर मानसूनी क्षेत्र से, या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से। अंगूर की खेती की बात की जा रही है, बताना फटाफट क्या आंसर होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन का, बहुत अच्छा, वेरी गुड, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहा कि कर्तन दहन कृषि को जो है भारत में किस नाम से जाना जाता है, कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, झूम कृषि के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, झूम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन, इन वृक्षों में किससे जो है च्युइंगम संबंधित है, च्युइंगम जो बनाया था, रबर का वृक्ष होगा, तार वृक्ष, या फिर खजूर का वृक्ष, या फिर क्या है ये, जपोटा वृक्ष। 53 नंबर क्वेश्चन बताइए आप क्या आंसर होगा, क्या हो जाएगा, जपोटा वृक्ष, क्या बोलते हो आप लोग, ऑप्शन नंबर ली होगा, चलो ऑप्शन डी मार देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हम लोगों को, कह रहा है कि शेफील्ड औद्योगिक केंद्र जो अवस्थित है कहाँ पे है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या होगा, 54 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है जर्मन का रूर क्षेत्र प्रसिद्ध है, बताना आप लोग को जर्मन का रूर क्षेत्र जो प्रसिद्ध है किस लिए है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोयला के लिए, किसके लिए, कोयला, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख कर हम लोगों को कि एरियंट एक्सप्रेस जो जोड़ता है वो किसको किससे जोड़ता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर होगा पेरिस को लंदन से, किसको, पेरिस को लंदन से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन कर हम लोग, पनामा नहर की लंबाई जो वो कितनी है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर की लंबाई की बात कही जा रही है, क्या होगा, 72 किलोमीटर, क्या बोलते हम लोग, ऑप्शन ए होगा ना, 72 किलोमीटर। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 क्वेश्चन कर हम लोगों को, पनामा नहर जो जोड़ता है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पनामा नहर जो जोड़ता है, ये जोड़ता है आपको अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब देखिए आगे 59 क्वेश्चन कराएंगे, पोर्ट सईद जो है कहाँ है। 59 नंबर क्वेश्चन बताइए फटाफट, पोर्ट सईद जो है वो कहाँ पे है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिस्र में, क्या बोलते हो, मिस्र में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत में जनसंख्या विस्फोटक की जो अवधि है वो कब से कब थी। चलिए देख लीजिए, भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि जो है कौन से दब कब से कब तक थी, क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर हो जाएगा बताइए फटाफट क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा आपका, 1951 से 1981, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन कर हम लोगों को, नगर के सहारे किस ही प्रतिरूप, अच्छा नगर का सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, कि अच्छा किसी नगर नहीं है, फिर नहर है, ठीक है नहर, नहर ऐसे होता है, ठीक है, और इसी के सहारे पे जो बस्तियां होती है वो किस तरह की बस्तियां होती है, तो सबको पता है इसमें जो बस्तियां होती है वो रैखिक होती है। ठीक है कैसी बस्तियां होती है, रैखिक होती है, यानी सीधा है ना, ये इधर से बस्तियां इधर से बस्तियां वो क्या होगा, रैखिक, कहाँ है रैखिक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोगों को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है, बताइए यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो देगा आपका ऑप्शन नंबर सी 943, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर हम लोगों को, निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछ रहा है, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए 63 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैनबरा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन कर हम लोगों को, रबर जो है किस कृषि से संबंधित है, 64 नंबर क्वेश्चन देखिए बताइए, रबर जो है ये किस कृषि से संबंधित है। ठीक है 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये रोपण कृषि से संबंधित, किससे है, रोपण कृषि से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेट जो है लेक्स जलमार्ग, ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है,
बताइए यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कह रहा है दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वेनेजुएला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन एक नगरीय समस्या है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, नगरीय समस्या कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा, पेयजल की कमी नगरीय समस्या है, मालिन बस्ती, वायु प्रदूषण, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 68 करा कि मैफिन्स जो है किस नदी के किनारे स्थित है। मैफिन्स की बात हो रही है, बताइए 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, मिसिसिपी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और 69 नंबर क्वेश्चन करा कालाहारी मरुस्थल जो अवस्थित है वो कहाँ पे है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर अफ्रीका में है। कहां पे? ये अफ्रीका में है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए यहां पे क्या कह रहा है हम लोग को, मणिपुर की राजधानी जो वो कहां है, मणिपुर की राजधानी। 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मणिपुर का इंफाल, क्या हो जाएगा, इंफाल, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग यहां पर जो है 70 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिक से अधिक अपने फ्रेंड तक शेयर करें, आप सभी से काफ़ी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि चैनल पे जो आपने इतने मेहनत की है आप लोगों के लिए, और आप लोग का भी फर्ज बनता है कि अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे। मिलते इसी तरह के नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।